हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सुरेश एंड यू आर वाचिंग टेक्सटाइल एडवाइजर। गाइस, आज हम आपके साथ में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। हम आपको बताएंगे कि एक माइक्रोन कितने एमएम के बराबर होता है या एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है और माइक्रोमीटर का यूज क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको माइक्रोमीटर से कैसे नापेंगे। हम आपको कन्वेंशनल माइक्रोमीटर का स्ट्रक्चर बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि जो डिजिटल माइक्रोमीटर होता है उससे आप अपने ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन होती है कैसे चेक करते हैं। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। गाइस, एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे कि हमारे चैनल को आपके आर्थिक मदद की ज़रूरत है। गाइस, यदि आप कोई एक छोटा सा अमाउंट भी हमारे चैनल को भेजते हैं आर्थिक मदद के रूप में, तो ये हमारे हार्ड वर्क का एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होगा। गाइस, आप सुपर थैंक्स के माध्यम से हमारे चैनल की आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में माइक्रोन या माइक्रोमीटर क्या होता है। तो गाइस, जो हमारा माइक्रोमीटर होता है तो वो बराबर होता है आपके एक मीटर के 1,000,000 में भाग के, मतलब 1 meter इज इक्वल टू 10^-6 मीटर। तो गाइस, बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है और इसको नापना कोई आसान काम नहीं होता है। तो इस तरीके की जो बहुत छोटे डिस्टेंस होते हैं उनको मापने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है या उसकी जो डायमेंशन है और बहुत कम डायमेंशन है जो कि माइक्रोन में है, तो जिन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है उसको नापने में करते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम माइक्रोमीटर कहते हैं। अब गाइस, जो माइक्रोमीटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल माइक्रोमीटर और दूसरा होता है गाइस डिजिटल माइक्रोमीटर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कन्वेंशनल माइक्रोमीटर के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक कन्वेंशनल माइक्रोमीटर की एक पिक्चर दी हुई है, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पार्ट्स के बारे में। तो देखिए गाइस, ये फ्रेम होता है, ये जी फ्रेम है और आपका ए, ये ए है तो ए एनविल होता है और बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हमें डायमेंशन नापनी है, और सी क्या है आपका स्पिंडल है, और डी आपका मैन स्केल हो गया, ई आपका थिम्बल है और एफ आपका रैचिड व्हील है। और गाइस, यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, ये आपके स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉक नट लगा हुआ होता है। तो गाइस, अब इस इंस्ट्रूमेंट से हम किस तरीके से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन नापेंगे? तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करना होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं है। तो उसको आप कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला इधर जो रैचेट व्हील लगा हुआ है इसको आप टाइट करना चालू करेंगे। जब इस रैचेट व्हील को आप टाइट करेंगे तो किधर घुमाएंगे, आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये जो आपका स्पिंडल है ये बाहर की तरफ निकलता चला जाएगा। किधर को जाएगा, लेफ्ट की तरफ निकलता हुआ चला जाएगा, और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये जो स्पिंडल है इसका लास्ट वाला भाग है आपके एनविल से बिल्कुल चिपक जाएगा। अच्छा, जब आपका चिपक गया तब आपको चेक करना है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर है या नहीं है। अगर जीरो एरर होगी तो क्या होगा, जो हमारा ये जो थिम्बल है वो आपके जीरो पोजीशन से या तो आगे चला जाएगा या जीरो पोजीशन से पीछे रह जाएगा। तो
यदि आपको लगता है कि आपके माइक्रोमीटर में जीरो एरर है तो आपको क्या करना है, इधर जो एनविल है तो ये आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको एडजस्ट करके आप अपने माइक्रोमीटर की जीरो एरर को सही कर सकते हैं। गैस अब देखिए काम कैसे करता है, तो सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट लेने के बाद में ये पीछे से आप रैचेट व्हील को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, मतलब उसको खोलना चालू करेंगे तो ये जो आपका जो स्पिंडल है ये बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाने लगेगा, और जब अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एनफ स्पेस बन जाएगा जहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रख सकें। अब आप क्या करेंगे, आप अपने ऑब्जेक्ट को बीचों बीच से आप एनविल की साइड से बिल्कुल सटा देंगे, मतलब चिपका देंगे उसको, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे ये जो हमारा थिम्बल है इसको आप घुमाना चालू करेंगे, तो घुमाते जाएंगे और घुमाने के बाद में जब ये हल्का सा चिपक जाएगा अपना स्पिंडल ऑब्जेक्ट के साथ में, इसके बाद में आप फिर थिम्बल को नहीं घुमाएंगे, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो रैचेट व्हील है तो इसको घुमाना है। तो गाइस रैचेट व्हील का काम क्या होता है, रैचेट व्हील आपको ये बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है दोनों जॉज या एनविल और स्पिंडल के बीच में बिल्कुल परफेक्टली टाइट हो गया है। तो जैसे ही रैचेट व्हील चट 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 की आवाज़ करेगा एक दो बार, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो स्पिंडल है पूरी तरीके से आपके ऑब्जेक्ट को पकड़ चुका है। अब आपको क्या करना है, रीडिंग नोट करनी है, और रीडिंग नोट करना बहुत सिंपल होता है। गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो स्केल होते हैं, ये है आपका मेन स्केल और ये है आपका, बोल सकते हैं इसको वर्नियर स्केल बोल सकते हैं या थिम्बल बोल सकते हैं, जो भी आप कहें थिम्बल स्केल बोल सकते हैं या रोटेटिंग स्केल बोल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप, ये जो हमारा जो थिम्बल है तो आपको किस पोजिशन में दिख रहा है, यहाँ देखिए आप, और सबसे पहले आप ये देख लीजिए ये जो हमारा मेन स्केल है तो इसको 1 mm को दो भाग में यहाँ डिवाइड किया गया है। गाइस जिगजैग ऑर्डर में लिखा है, इससे क्या होता है कि हर आधे mm के बाद में आपका मेन स्केल का जो वो है डिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये आपका ऊपर लिखा हुआ है पूरा, यहाँ से 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm और ये यहाँ पर दिख रहा है, अंदर देखेंगे आप गौर से देखेंगे तो दिखेगा 5 mm दिख रहा है, और अगर ये 4.5 होता तो ये ना दिखता, सिर्फ ये यहाँ तक दिखता। तो 1 mm को दो भाग में यहाँ डिवाइड किया गया है, तो आपका जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 mm आ रही है पूरी। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे अपने वर्नियर स्केल या रोटेटिंग स्केल की रीडिंग, तो ये आपका रोटेटिंग स्केल है, यहाँ पे देखिए आप, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 45 तो यहाँ पे है और इसके बाद में ये यहाँ पे फिर 5 पार्ट यहाँ 1 2 3 4 5 तो यहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5 तो इसका मतलब कितना हुआ, आपका जो 50वां डिवीज़न है रोटेटिंग स्केल का या वर्नियर स्केल का वो आपके मेन स्केल से मिल रहा है, तो आपके रोटेटिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 50। बस एक चीज़ और देख लेंगे आप गाइस, जो हमारा कोई भी नापने वाला कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट लिखी होती है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है 0.01 mm, मतलब ये mm के 100वें भाग को नाप सकता है, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट काउंट अगर देखें माइक्रोन में तो ये 10 माइक्रोन होगी। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपने देख ली। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में, सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम कन्वेंशनल माइक्रोमीटर के जैसा ही होता है। गाइस देखिए यहाँ पे ये आपका है डिजिटल माइक्रोमीटर, सारे पार्ट एक जैसे हैं। गाइस देखिए उसमें एनविल था तो यहाँ पर ये एनविल है, ये ऑब्जेक्ट को फिक्स करने की जगह है, ये आपका स्पिंडल है और स्पिंडल के बाद में ये आपका मेन स्केल है, और ये आपका क्या है, ये है आपका थिम्बल या वर्नियर स्केल बोल सकते हैं या रोटेटिंग स्केल भी बोल सकते हैं, ये रैचेट व्हील है, ये आपका LCD है, ये आपका फ्रेम है। तो गाइस बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे चीज़ क्या है कि आपको कोई भी ना तो मेन स्केल पढ़ना है इसमें और ना ही वर्नियर स्केल पढ़ना है, जैसे ही
आप इसको नापने के लिए जाओगे, आपने क्या एनविल और स्पिंडल के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे, इसके बाद में आप अपने थिम्बल को घुमाते जाएंगे, जब ये चिपक जाएगा इसके बाद में हम थोड़ा सा रेचेट व्हील को टाइट करेंगे, तो एक दो बार जब चट चट की आवाज़ आएगी तो आप समझ जाएंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स हो गया, अब वो ज़्यादा टाइट नहीं हो सकता। अगर आप ज़्यादा टाइट करोगे तो फिर कंप्रेशन भी हो सकता है। तो फिर वहाँ पे आप सिंपली रीडिंग देखोगे अपने एलसीडी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए गाइस, ये एलसीडी है आपकी, तो एलसीडी में डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे होगे कि यहाँ पे रीडिंग कितनी है, 12.500 mm। अब गाइस इसकी लिस्ट काउंट देखिए आप, तो ये लिस्ट काउंट है इसकी। तो ये जो डिजिटल माइक्रोमीटर होता है ये एक्चुअल माइक्रोमीटर का काम करता है। तो मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोमीटर होता है एक एमएम का हजारवा भाग होता है, तो यहाँ पे इसकी लिस्ट काउंट भी 0.001 या एमएम का हजारवा भाग ही इस माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो डिजिटल मीटर है या ये जो डिजिटल माइक्रोमीटर है ये आपका एक्चुअल माइक्रोमीटर है, और जो कन्वेंशनल टाइप का जो माइक्रोमीटर होता है तो उसकी जो लीस्ट काउंट होती है गाइस वो 0.001 mm होती है, मतलब mm के 100वें भाग को वो सही तरीके से नाप सकता है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है गाइस। अब मैं आपके साथ में कैलकुलेशन बताता हूँ, कैलकुलेशन कौन सी वाली बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि ये जो डिजिटल माइक्रोमीटर है इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे और उसके बाद में आपका जो डिजिटल माइक्रोमीटर है तुरंत के तुरंत आपको रीडिंग दे देगा। और आपको कैलकुलेशन किस में करनी है, आपको करनी है कन्वेंशनल माइक्रोमीटर में है गाइस। ये मैंने बताया था कि ये है हमारा कन्वेंशनल माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मेन स्केल की रीडिंग ले ली, आपने रोटेटिंग या वर्नियर स्केल की रीडिंग ले ली, और इसका लिस्ट काउंट यहाँ पर दिया हुआ है 0.01 mm। बट मैं आपको यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या ये जो हमारा माइक्रोमीटर है कन्वेंशनल टाइप का, इसकी लिस्ट काउंट का कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। गाइस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट काउंट कैलकुलेशन, मतलब जो हमने कन्वेंशनल माइक्रोमीटर दिखाया है उसकी आप लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डेटा लिखे हुए हैं, मैन स्केल रीडिंग कितनी थी 5 mm, तो हमने 5 mm लिख दी। रोटेटिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, 50 है, मतलब 50 डिवीजन है जो आपके मैन स्केल से मिल रहा है, और नंबर ऑफ डिवीजन इन रोटेटिंग और वर्नियर स्केल कितना है, 100 है, मतलब जो आपका जो थिम्बल है वो 100 भागों में बटा हुआ है। गाइस जो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मैन स्केल कितनी है, 1 mm है। और अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ गाइस, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली कितनी डिस्टेंस, कम से कम कितनी डिस्टेंस नाप सकता है, उसको बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट। तो यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, और आपको याद रखना है कि यदि आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई लिस्ट काउंट नहीं लिखी है उस इंस्ट्रूमेंट की, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिखाया हुआ है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन रोटेटिंग और वर्नियर स्केल। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है, और मैंने तो यहाँ पे आपको लिख के भी बता दिया है कि एक मैन स्केल का जो एक डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी है, वो 1 है, और नंबर ऑफ डिवीजन्स इन वर्नियर और रोटेटिंग स्केल कितने हैं, 100 हैं। तो आपको दोनों वैल्यू रख देनी है। गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या रखा, 1, तो 1 क्या है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मैन स्केल, तो 1 mm है, हमने ये रख दिया। गाइस इसके बाद में डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन रोटेटिंग और वर्नियर स्केल, तो वो कितना है, 100 है, तो हमने यहाँ पर 100 रख दिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा गाइस 0.01 mm, मतलब मिलीमीटर का कितना भाग, 100वां भाग,
तो गाइज इस तरीके से आपने अपने इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट निकाल ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है तो उसका डायमेंशन कितना आया, मतलब मेजरमेंट क्या आया आपका जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को किसी कन्वेंशनल माइक्रोमीटर से मेजर किया। तो गाइज यहाँ पे देखिए मेजरमेंट कैलकुलेशन, तो यहाँ पे देखिए मेन स्केल रीडिंग क्या है, 5 mm है, हमने आपको पहले बता दिया, ऊपर दिया हुआ है, आप फिर से देख सकते हैं ये 5 mm है। और रोटेटिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, 50 है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 50 दिखाया हुआ था आपको। और अब देखिए गाइज जो मेजरमेंट आएगा या डायमेंशन आएगी तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देखिए आप, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग हमने ये रखी है तो यहाँ पे 5 mm यहाँ रख दिया, प्लस 50 क्या है, वर्नियर स्केल की रीडिंग है हमने यहाँ पर रख दी, इंटू 0.01, तो 0.01 क्या है आपकी जो लिस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट की वो है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 + 0.50, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका 5.5 mm। तो गाइज जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे नापा है, देखिए गाइज ये नापा है यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 5.5 mm। गाइज तो ये जो कैलकुलेशन की है हमने वो हमें डिजिटल माइक्रोमीटर के अंदर नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक हो, इसके अंदर एक LCD लगी होती है और सॉफ्टवेयर वगैरह भी लगा होता है और बहुत सारे सेंसर भी होते हैं, तो वो उसको चेक करते हैं और डायरेक्ट आपको डिजिट में उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन बता देते हैं। गाइज देखिए यहाँ पे सिंपल काम किया हमने, ये आपकी एनविल है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका स्पिंडल है, हमने इधर से टाइट कर दिया, टाइट करने के बाद में जैसे ही ये जो आपका बटन है इसको हम दबाएंगे तो ये आपको डायरेक्ट इसकी मेजरमेंट दे देगा जो ऑब्जेक्ट आपने एनविल और स्पिंडल के बीच में फिक्स किया हुआ है। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, कन्वेंशनल माइक्रोमीटर कैसे काम करता है, उसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, डिजिटल माइक्रोमीटर कैसे काम करता है, डिजिटल माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है। तो गाइज देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइज यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गाइस चैनल देखने के लिए धन्यवाद।